नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर अपने वोटर को कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि आओ एकता के लिए, सकारात्मक संदेश देने के लिए हम दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं। मगर होता क्या है, जनता इस कदर आपे से बाहर हो जाती है कि यहां जयपुर में इस तस्वीर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक अपार्टमेंट्स में आग लग जाती है। खबर अड्डा नाम की इस वेबसाइट के मुताबिक बिहार के पूर्वी चंपारण के एक गांव में आग लग जाती है जिसमें कई घर खाक हो जाते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को देखिए जो हैदराबाद से है, उसने बाकायदा मशाल हाथ में लेकर पूरा एक मार्च निकाला। इस तरह की ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई जिसमें लोग हाथों में मशाल लिए नाच रहे थे। बात यहां नहीं रुकती। ये जो भारत का मैप है, ये फर्जी मैप जिसके अंदर ये बताया जाता है हर साल कि देखिए दिवाली के वक्त पूरी दुनिया के मुकाबले भारत कैसे चमक रहा है, कल ये फिर अवतरित हुआ ये बताने के लिए कि जिस तरह से पूरे देश में दिवाली मनी, दिए जलाए गए, पूरे दुनिया में ये तस्वीर दिखाई दी। और इसका प्रचार प्रसार कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कर रहे थे। अब इन छुटभैये नेताओं की बात छोड़िए, ये शख्स कौन है, सहस्राब्दी का नायक अमिताभ बच्चन, जो 1975 से दीवार फिल्म से हम सबके जहन में, दिलों पर राज कर रहे हैं। ये एक फर्जी खबर, एक फर्जी तस्वीर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये बताते हुए कि दुनिया हमें किस तरह से देख रही है। यानी कि आप सोच समझ सकते हैं कि भक्ति के चलते या सत्ता के सामने नतमस्तक होने के चलते अच्छे खासे लोग जो हैं वो किस तरह की बातें करने लगते हैं। किरण बेदी, भूल जाइए कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मगर किरण बेदी के बारे में जो बात कही जाती थी वो हमारे बचपन की रूमानियत का हिस्सा हैं। एक जबरदस्त आईपीएस ऑफिसर के चलते हम में से कई लोगों की जिंदगी पर उन्होंने प्रभाव डाला। और किरण बेदी किस झूठ का प्रसार प्रचार कर रही हैं आप देखिए अपने स्क्रीन पर। वो ये बता रही हैं कि कोरोना के चलते कई जगहों पर अंडे जो हैं उन्हें छोड़ दिया गया था खुले में, अब इन अंडों से जो हैं वो चूजे निकल आए हैं। ये वो शख्स है जिसने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की थी। आप भी जानते हैं कि आप और हम जो घरों में अंडे खाते हैं उनमें से किसी भी सूरत में चूजे नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ये सारे अंडे अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। मगर किरण बेदी जैसी शख्स जो कि आज की तारीख में राज्यपाल हैं, भारत की एक डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर रही हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट का हिस्सा रही हैं, वो इस तरह की समझदारी का परिचय दे रही हैं। ये सब क्या बता रहा है? ये सब यही बता रहा है कि एक नेतृत्व जो है इस देश को किस तरह की दिशा दे रहा है। ये तस्वीर देखिए ना, यहां पर लोग अपनी छतों पर बाकायदा अनार फोड़ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कोरोना बीमारी जो है एक रेस्पिरेटरी बीमारी है, आपकी श्वास की प्रक्रिया से जुड़ी हुई बीमारी है। और लोगों ने कल पटाखे जलाए। इतने दिनों से एयर क्वालिटी जो है वो बेहतर हो गई थी और लोगों ने पटाखे जलाए। ये सब क्या बतलाता है कि हम मूर्खता के किस रास्ते पर चल पड़े हैं। और जानते, जब इन तमाम चीजों की तरफ आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोगों का ध्यान खींच रहे थे तो लोग क्या कह रहे थे कि साहब आप तो नकारात्मक हैं, आपको नहीं पता इससे पॉजिटिविटी का संदेश जा रहा है। पॉजिटिविटी का अगर आपको संदेश देना था तो यह बहुत जरूरी था कि आप उन डॉक्टर्स के बारे में पूछते जो आज की तारीख में, जिनके पास बुनियादी चीजें नहीं है, ग्लव्स नहीं है, मास्क नहीं है। मगर जैसे मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री अपने वोटर को बखूबी जानते हैं। उनका जो असर है लोगों पर वो अप्रत्याशित है। काश प्रधानमंत्री उस दिन जब सुबह जनता से रूबरू हुए थे उसके जरिए कुछ अहम संदेश देते। मसलन वो ये संदेश देते कि जगह जगह पर हमारे डॉक्टर्स पर जो हमले हो रहे हैं उसे बंद कीजिए। वो ये संदेश देते कि आने वाले वक्त में हमारी इकोनॉमी की क्या हालत होने वाली है उसको लेकर कुछ आश्वासन देते। वो ये संदेश देते कि कई गरीब जो आज की तारीख में अपने गांव की तरफ चले गए हैं, जिनके सामने एक अंधकारमय भविष्य है, उसको लेकर उनका क्या रोडमैप है, उसको लेकर संदेश देते, लोगों को इंस्पायर करते। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों को इंस्पायर करते हैं, आजाद भारत के इतिहास में ऐसे कई कम राजनेता हुए हैं।
आज की तारीख में जो इनका इम्पैक्ट है, मैं उन्हें वाजपेयी जी से भी ऊपर रखता हूं। और वाजपेयी जी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता जो प्रधानमंत्री बने हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज की तारीख में मैं मोदी जी का मुकाम उनसे ऊपर मानता हूं जहां तक लोगों पर असर करने की बात है। काश मोदी जी इस तरह का सकारात्मक संदेश देते। आपको यह बात भी समझनी पड़ेगी कि इस तरह का असर क्यों हो रहा है, क्योंकि एक पूरा मास मीडिया है, पूरा टेलीविजन इंडस्ट्री है जो इस चीज का प्रचार प्रसार कर रहा है। आप जानते हैं, लोगों को आगे रखने का दम भरने वाले एक चैनल ने कल क्या कहा? कल कहा कि आप अपने आस पड़ोस में देखिए वो कौन लोग हैं जो दिया नहीं जला रहे हैं। मानो चिन्हित किया जा रहा है उन लोगों को जो इस चीज में विश्वास नहीं करते। ये बिल्कुल उसी तरह की सोच है आज की तारीख में कि अगर आप इस सरकार की आलोचना करें तो आप देशद्रोही हैं। ये काम कोई और नहीं बल्कि न्यूज चैनल्स कर रहे हैं। और आज की तारीख में न्यूज चैनल्स और प्रचार तंत्र जिस तरह का जहर बो रहे हैं ना, उसका दूरगामी असर हमारे समाज पर पड़ रहा है। तबलीगी जमात को टारगेट करने की एवज में पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में रखा गया है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और आज न्यूज चक्र में मैं उस मुद्दे पर भी फोकस करने वाला हूं। तबलीगी जमात के एवज में जिस तरह से देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और उससे समाज किस तरह से दोफाड़ हुआ है और समाज में किस तरह की अराजकता फैलाने की एक जमीन तैयार की जा रही है, उसे समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ ट्वीट्स, कुछ संदेशों पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर यह पत्रकार जो ये कह रहा है कि प्रयागराज में जमात पर टिप्पणी करने पर युवक की हत्या कर दी गई, मोहम्मद सोना पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगा है। टिप्पणी करने पर गोली मारना, इतनी हैवानियत कहां से आती है? साथ में इन्होंने तबलीगी जमात का जिक्र कर दिया और निजामुद्दीन मरकज का जिक्र कर दिया है। प्रयागराज पुलिस को इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना पड़ा। उन्होंने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर, थाना कैराली में FIR 127/220 पंजीकृत कर नामजद वह अन्य कुल 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मृतक और अभियुक्त पक्ष पास पड़ोस के रहने वाले हैं। इनमें से किसी का भी संबंध तबलीगी जमात से होने की बात प्रकाश में नहीं आई है। विवेचना के आधार पर कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खुलेआम एक मुख्य धारा के न्यूज चैनल का एंकर इस तरह की बात फैला रहा है, इस घटना को तबलीगी जमात से जोड़ने का दुस्साहस कर रहा है और खुद पुलिस ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है। अब आपके स्क्रीन पर एक और, यह एक बहुत बड़े न्यूज चैनल ने किया है और आप इसमें देख सकते हैं बाकायदा जो यह तस्वीर बनाई गई है, यह जो चेहरा है वह एक मुसलमान का चेहरा है और इसमें कहा गया कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ न्यू कोरोना वायरस केसेस इन इंडिया लिंक्ड टू तबलीगी जमात इवेंट। यकीनन मैंने अपने कार्यक्रमों में कहा है कि तबलीगी जमात में जो लोग आए थे, फॉरेनर्स आए थे, उन्हें खुद को आइसोलेट करना चाहिए था, खासकर अगर वो ऐसे देशों से आए थे उन्हें ये पहचान करनी चाहिए थी उन्हें ये बीमारी है या नहीं। मगर उससे भी बड़ी बात, जब वो एयरपोर्ट में उतरे थे देश में तो उस वक्त उन्हें रोका जाना चाहिए था, जो हुआ नहीं। अब उसकी एवज में आप देख सकते हैं एक मुसलमान का चेहरा ये न्यूज चैनल बनाकर कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहा है और इसका नतीजा क्या होता है मैं आपको बात बताता हूं। जिस तरह का प्रचार और प्रसार चल रहा है उसका नतीजा आपके सामने ये, राजस्थान के भरतपुर में एक गर्भवती मुस्लिम महिला, उसे अस्पताल भर्ती करने से इनकार कर देता है। नतीजा यह होता है कि उसकी हालत बिगड़ जाती है और उसका बच्चा दम तोड़ देता है पेट में ही। हमारे न्यूज चैनल्स, हमारे प्रचार तंत्र ने इतना जहर बोया है इस समाज के अंदर, इतना जहर बोया है जिसका परिणाम यह हुआ कि आज की तारीख में हम अपने अंदर की इंसानियत को भूल गए हैं। बात यहां नहीं रुकती। ये तस्वीर याद है आपको? इस तस्वीर में कहा गया था कि ये पुलिस के साथ जो ये शख्स बैठा है ये कोरोना वायरस से पीड़ित है और देखिए किस तरह से पुलिस पर ये थूक रहा है। बाद में पता चला इसका कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है, ये शख्स जो है दरअसल मुंबई का रहने वाला और मामला कुछ और था, मगर इस वीडियो का प्रचार प्रसार किया मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत पैदा करने के लिए।
अगर तबलीगी जमात कोई गलती कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो हो भी रही है, FIR दर्ज किया गया है। बात वो नहीं है, बात यह है कि तबलीगी जमात के एवज में प्रचार तंत्र जिस तरह से निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहा है, एक पूरी कौम को टारगेट कर रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, यहां पर मध्य प्रदेश की तस्वीर है, यहां पर एक फल बेचने वाला है और ये क्या कर रहा है, अपने तमाम फलों को अपना थूक उस पर लगा रहा है। न्यायती वाहियात तस्वीर, नतीजा ये हुआ कि इस शख्स पर कार्रवाई की गई और इसे गिरफ्तार किया गया। मगर क्या आप जानते हैं, घटना 16 फरवरी की है, कोरोना वायरस के साथ कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर इस तस्वीर का प्रचार प्रसार किया गया। कई बुद्धिमान लोग, कई समझदार लोग, वो इसका प्रचार प्रसार कर रहे थे यह बताने के लिए कि देखिए देश का मुसलमान क्या कर रहा है। अब एक और खबर पर गौर कीजिए, जिसे जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। यह बताया गया था कि सहारनपुर जिले में किस तरह से एक अस्पताल में जमात के कुछ सदस्यों को रखा गया था और जमात के जो सदस्य हैं वो उस अस्पताल के अंदर नॉन वेज फूड, मांसाहारी खाने की डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे। अब खुद सहारनपुर पुलिस ने क्या कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सहारनपुर पुलिस ने कहा है, अवगत कराना है कि विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित की जा रही खबर, क्वारंटीन किए गए जमातियों ने खाने में नॉनवेज ना मिलने पर किया जमकर हंगामा, जमातियों ने खुले में ही कर डाली शौच की सत्यता की जांच और आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन को निर्देश दिए गए, जिनके द्वारा जांच की गई कि जांच में विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित की जा रही खबर पूरी तरह से असत्य पाई गई है। मैं हमेशा से उत्तर प्रदेश पुलिस का आलोचक रहा हूं, खासकर उन्होंने जिस तरह से ह्यूमन राइट्स को हैंडल किए, जिस तरह से नागरिकता बिल के खिलाफ आंदोलन को उन्होंने हैंडल किया। मगर चाहे प्रयागराज पुलिस हो या यहां पर सहारनपुर पुलिस, इन दोनों ने ही जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय दिया है। इन्होंने बताया है कि जमातियों ने किसी भी सूरत पर नॉन वेजिटेरियन की मांग नहीं की थी, मगर इसकी एवज में, और यह प्रचार प्रसार कौन कर रहा है, सिर्फ बीजेपी का आईटी सेल नहीं कर रहा था, क्योंकि आज की तारीख में आईटी सेल और उन ट्रोल्स और मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स में कोई फर्क नहीं रहा। यह प्रचार प्रसार कर रहे थे मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स, अगर आप अपने आसपास निगाह डालें तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आप और हम जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं सकारात्मकता की, इस सकारात्मकता का कोई फायदा नहीं है अगर हम अपने डॉक्टर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, जिनके पास आज की तारीख में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है, या हम अपने गरीबों के बारे में नहीं सोचेंगे, या इस तरह से हम अपने ही भाइयों और बहनों के खिलाफ इस तरह का जहर उगलेंगे। आप जानते हैं सकारात्मकता क्या होती है? कल जब आप सब मोमबत्ती जला रहे थे, दिया जला रहे थे, और वो काम मैंने भी किया, मगर मैंने एक और काम किया। एक लड़की है सोनिया, जो जमीन पर आज की तारीख में जो लोग भूखे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनकी मदद कर रही है। और एक और एनजीओ है जिसका नाम है नो टीयर्स फाउंडेशन, जिसे हुसैन नाम का एक शख्स चलाता है। उनकी मदद से मेरे घर के पास में कुछ झुग्गियां हैं, मैंने, मेरी पत्नी ने और हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर करीब 100 पैकेट राशन बंटवाए। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि सही मायने में अगर आपको सकारात्मकता का प्रचार प्रसार करना है तो इस गरीब के आंसू पोछे। अगर आपको सही मायने में सकारात्मकता प्रचार प्रसार करना है तो इन मुद्दों को उठाइए और इन मुद्दों पर आप अपने सरकार पर सवाल कीजिए। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम जो कर रहे हैं आपने कल भी देखा, हम जो कर रहे हैं आपने थाली और ताली बजाने के वक्त भी देखा। नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं? उसके ठीक बाद देश में जबरदस्त उछाल आया कोरोना वायरस संक्रमित केसेस को लेकर। मगर क्या मैं अपने पॉलिटिकल जमात से पूरी तरह से हताश हूं? शायद नहीं। मैं इसकी दो मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आपके स्क्रीन पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। शिवसेना के बारे में, खासकर मुसलमानों को लेकर जो उनकी नीतियां रही हैं उसके बारे में एक अरसे से चर्चा की जाती रही है। बाला साहब ठाकरे ने तो बाबरी के ढाए जाने को एक बहुत अच्छी बात मानी थी, मगर उद्धव ठाकरे ने क्या कहा इस पर गौर कीजिए।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के नाम पर अगर आप अफवाह फैलाएंगे, अगर आप मुसलमानों को टारगेट करेंगे, समुदाय विशेष को टारगेट करेंगे, तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। उसी तरह से क्या कह रहे हैं जगनमोहन रेड्डी, डोंट गिव तबलीग के जमात रिलीजियस कलर। तबलीग के जमात से जुड़े मामले को धार्मिक रंग देने की कतई जरूरत नहीं है, जो अपने आप में बहुत ही सकारात्मक संदेश है, क्योंकि तबलीग के जमात ने जो किया नहीं किया कई लोग सामने उभर कर आए थे। और मैं आपको कई ऐसी मिसालें दे सकता हूं कि आज की तारीख में किस तरह से कई मुसलमान जमीन पर हैं जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने आपको मिसाल दी नोटियस फाउंडेशन के हुसैन, जो अब तक हजारों गरीबों की मदद कर चुके हैं। डॉक्टर जकिया सईद याद है आपको, जो इंदौर की उस गली में गई थी, जिनको भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, भगाया था, वो जकिया भी तो गई थी गरीबों की मदद करने। ऐसे आपके सामने न जाने कितनी मिसालें उभर कर आएंगी। ये आपको फैसला करना है कि आपको उन लोगों का साथ देना है जो प्रधानमंत्री की बात को सही ढंग से समझते नहीं है और अनाप शनाप चीजें कर रहे हैं, समाज में नकारात्मकता फैला रहे हैं, जहर बो रहे हैं, या आपको इन लोगों के साथ खड़े होना है जो सही मायनों में इस मुद्दे के मायनों को समझते हैं। न्यूज चक्र में बस इतना ही। आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।